अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। और आज की रेसिपी है प्लेन मटर पुलाव, बिल्कुल सादा और सिंपल सा मटर पुलाव। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। चावल मैंने यहाँ भिगा दिए थे, बासमती चावल है, डेढ़ घंटा भीगते हैं, ज़्यादा नहीं भीगते। फ्रोज़न मटर यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ। प्याज डिपेंड, अगर आपको गार्निशिंग करनी है तो आप यूज़ करें, नहीं करी तो ना यूज़ करें। धनिया भी मैं लास्ट में ऐड करूँगी फॉर गार्निशिंग। और ग्रीन चिलीज जिसे मैं क्रश कर लूँगी, आप पेस्ट भी बना सकते हैं, लेकिन मैं क्रश करके यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे पेस्ट बना लें, या आप चाहें तो इसे बिल्कुल बारीक काट लें। और हरी मिर्ची मैंने यहाँ पर ली हैं 12 से 13, डिपेंड आपको कितना स्पाइसी पसंद है, प्लस आपकी जो हरी मिर्ची है वो कितनी ज़्यादा स्पाइसी है। मटर मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ 400 ग्राम्स मटर है और आधा किलो चावल है। अब हम हरी मिर्चों को अच्छी तरह से क्रश कर लेंगे। तो हरी मिर्च क्रश हो चुकी हैं, अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। बड़ा सा पॉट लेंगे, उसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल डालने के बाद ऑयल को हम गरम करेंगे। और मैं चावल बनाने के लिए हमेशा जो बर्तन है वो बड़ा लेती हूँ, ताकि चावल ना टूटे, खाने की खूबसूरती ख़राब ना हो। खाने के जायके से ज़्यादा खाने की खूबसूरती मैटर करती है, तो इसका ख्याल रखा करें। तेल गरम हो चुका है, इसमें डालेंगे हम 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, साबुत काली मिर्चें, 2 बे लीव्स, तेज़पात पत्ता कहते हैं जिसे, एंड 1/2 टीस्पून दालचीनी। ठीक है जी, इन सबको डाल के हम फ्राई कर लेंगे ताकि गरम मसाले की खुशबू आने लगे। कोई इलायची कोई लौंग नहीं डालनी, बस ये 3-4 चीज़ें जाएंगी इसमें। इसे हम हल्का सा फ्राई करेंगे, जब इसमें से खुशबू आने लगेगी और ये थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा, तो इसके अंदर हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून। 1/2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर यूज़ किया है जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब इसे हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, फ्लेम आपने लो रखनी है। फ्लेम हाई होगी तो गरम मसाला जो है वो जल के बेरौनक से हो जाएगा, उसकी खूबसूरती ख़राब हो जाएगी और खाने का जायका ख़राब हो जाएगा। अब इसके अंदर जो मैंने हरी मिर्ची क्रश की थी वो ऐड कर देंगे और इसे फ्राई करेंगे। हरी मिर्चों को और लहसुन अदरक का जो पेस्ट है, इन्हें हम इसमें डाल के अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। फ्राई हो चुका है, अब इसके अंदर हम डालेंगे मटर, जो कि मैंने पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लिया। बॉईल करने की ज़रूरत नहीं होती है इन्हें, ये बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। हम इसे मटर डालने के बाद इसे हम मटर को फ्राई करेंगे, ताकि जो स्पाइसेस का जायका है वो मटर के अंदर भी आ जाए। अगर आप फ्रोज़न घर में रखे हुए फ्रोज़न आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसे एक दफ़ा बॉयल ज़रूर कर लीजिएगा। ये मार्केट की फ्रोज़न मटर है तो इन्हें बॉयल करने की ज़रूरत नहीं होती, ये स्टीम्ड होते हैं। ठीक है जी, तो हमने मसाला सारा इसमें मिक्स कर देना है अच्छी तरह से। तकरीबन 3 से 4 मिनट मटर को हमने इसमें पकाना है। उसके बाद हम डाल देंगे राइस, पानी नहीं डालेंगे, पहले चावल डालेंगे। चावल डालने के बाद इसे हम चलाएंगे मटर और मसाले के साथ, थोड़ा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने पानी डालना है, सारे चावल अच्छी तरह से मैं इसमें डाल दूँगी। और अब मैं इसको इसके साथ अच्छे से मिक्स कर दूंगी। कोई चिकन पाउडर नहीं डालना आपने, कोई चिकन क्यूब्स नहीं डालने, कोई आपने चाइनीज़ सॉल्ट नहीं डालना जिसे अजीनोमोटो कहते हैं, कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये बगैर हर चीज़ के, मैंने देखा है अक्सर लोग हर चीज़ में चाहे वो डाल रहे होते हैं, चिकन पाउडर यूज़ कर रहे होते हैं। मुझे समझ नहीं आती वो क्यों यूज़ करते हैं, आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। अब जितने इसमें चावल थे उतना हमने पानी डाल दिया, 2 कप चावल हैं तो 2 कप पानी डाल दें। मैं बिल्कुल इक्वल रेशियो रखती हूँ, जितने चावल होते हैं उतना ही पानी डालती हूँ। डिपेंड आप किस तरह से चावल पकाते हैं उस हिसाब से इसमें सॉल्ट डाल देंगे लास्ट में। और प्लीज़ चिकन पाउडर मत डाला करें, ना चिकन पाउडर ना चिकन क्यूब्स। कभी कभी अगर आपको लगे कि डालने चाहिए तो आप इस्तेमाल करें, बट मेरे कैबिन में, मेरी जो किचन है, किचन के कैबिन्स में चिकन पाउडर और चिकन क्यूब्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे, मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करती। वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है आपकी हेल्थ के लिए। कुछ लोग तो उनका बस ना चले, लिटरली उनका बस ना चले, तो वो आटा गूंथते हुए उसमें भी डाल दे चिकन पाउडर। कुछ लोग बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं चिकन पाउडर पर, तो प्लीज़ इस्तेमाल कम कर दें, ख़त्म ना करें अगर आप नहीं कर सकते, लेकिन उसका इस्तेमाल आप कम कर दें। नमक डालने के बाद मैंने इसे चला दिया अच्छी तरह। अब हम इसे ढक देंगे और जब तक बॉईल आ जाता है तब तक हम इसे मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। तो चले जी, बॉईल भी आ चुका है इसमें, ये देखें
ऑयल आ चुका है, इसे हम मिक्स कर देंगे। और जब इसमें एक कनी रह जाएगी, चावलों की एक कनी रह जाएगी, तो हम इसे दम लगा देंगे। और दम लगाने से पहले इसके अंदर हम देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। मुझे इतने पसंद है, दिल करता है कि कच्चे निकाल के खा लूँ। मुझे मटर पुलाव बहुत पसंद है और मेरे अब्बू को भी बहुत पसंद है। तो इसको अब मैं रख दूँगी धीमी आँच पर। एक कनी रह जाएगी तो इसको हम दम दे देंगे। इस स्टेज पर दम देना है। इसके अंदर अब हमने डालना है धनिया, जो कि मैंने आपको कहा था मैं लास्ट में डालूंगी। और प्याज का ये हिसाब है कि अगर आप इसके ऊपर डालना चाहते हैं तो आप प्याज फ्राई कर लें अलग से, और फिर गार्निशिंग के टाइम आप इसके ऊपर अच्छी तरह से खूबसूरती से बिछा दें ताकि वो अच्छा लगे। तो ये लीजिए, रेडी हो चुका मज़ेदार सा प्लेन सिंपल सादा सा पुलाव। मज़ेदार सी रेसिपी है, इसे ज़रूर ट्राई करें। और अब हम इसे ढक देंगे और इसे हम लगा देंगे दम, कि जो थोड़ा सा पानी है और जो एक कनी रह गई है चावल में वो अच्छी तरह से पक जाए। और इसे सर्व करूंगी मैं लहसुन की चटनी के साथ। इतनी स्पाइसी और इतनी मज़ेदार सी चटनी है ना, कि वो चटनी बनाने के बाद मैं और कोई चटनी की तरफ बढ़ती ही नहीं हूँ, मुझसे खाई नहीं जाती कोई चटनी। तो ये लीजिए, मज़ेदार से चावल रेडी हैं, ना टूटे हैं ना ख़राब हुए हैं, कुछ भी नहीं हुए। बस आपने चावलों का जो रेशियो है पानी का उससे लेवल रखना है, टाइमिंग आपने चेक करनी है कि आपने चावल कब भिगाए हैं। और अब हम इसे सर्व करते हैं। तो ये लीजिए, देखिए खूबसूरत सा हरा भरा हमारा मटर पुलाव रेडी है। और ये चटनी स्पाइसी मज़ेदार सी, थोड़ा सा इसमें सिरका या लेमन जूस डाल देते हैं, थोड़ी सी खट्टी भी हो जाती है और बहुत मज़ेदार सी चटनी है। अगर आपको चटनी की रेसिपी भी चाहिए तो आप मुझे DM कर दें, मैं आपको दे देती हूँ चटनी की रेसिपी। बहुत सिंपल है अदरवाइज़। और आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, अपनी फीडबैक दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।